हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सिंगल कलर में जालीदार नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये जो है पैटर्न आप इसे बना सकते हैं मफलर के लिए अगर आप लेडीज शॉल बना रहे हैं तो उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं आप कार्डिगन में इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं जैकेट में कर सकते हैं हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिज़ाइन का बहुत ही खूबसूरत बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो उस पर आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं कैप के लिए कर सकते हैं तकरीबन सारी ही वुलन प्रोजेक्ट के लिए आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं ये सभी कलर में अच्छा बनकर आता है देखिए इस तरीके से इसमें जाली बनती है देखिए इस तरीके का डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है ये जो डिज़ाइन है आप इसे जेंट्स कार्डिगन के लिए या जैकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं मफलर इस्काफ शॉल पोंचो सभी पे अच्छा लगता है डिज़ाइन तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन के स्टिचेस और निडल देखने से यहाँ पे मैं निडल थोड़ा मैंने मोटा निडल लिया है देखिए सिक्स एम mm का निडल है मेरा ये देखिए आप नाइन नंबर टेन नंबर एलेवन नंबर या इससे मोटे पतले नीडल से इसे बना सकते हैं स्टिचेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको टू के मल्टीपल में ले लेना है किसी भी एक्स्ट्रा स्टिचेज को लेने की जरूरत नहीं है दो के हिसाब से आप फंदों को ले लेंगे कोई एक्स्ट्रा फंदों को लेने की जरूरत नहीं है राइट साइड से रो वन शुरू होगा बॉर्डर बनाने के बाद या बिना बॉर्डर के भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं पहली सिलाई सीधी तरफ से बिनेंगे पहले फंदे को स्लिप कर देंगे दो दो फंदों का डिजाइन रहने वाला है तो एक फंदा सीधा बिनेंगे अब इसके बाद आपको करना है दो फंदों से पहले एक जाली बनानी है अब इन दो फंदों को एक साथ लेना है और सीधा बिन देना है एक फंदा छोड़ देना है एक फंदे को निडिल पर रखना है इस फंदे को और इसके पीछे वाले फंदे को सीधा करना है और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देना है दोनों फंदे छोड़ देने अब यही फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे एक जाली सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से इसके बाद दो फंदों को एक साथ सीधा बिनना है एक फंदा छोड़ देना है इस वाले फंदे को और इसके पीछे वाले फंदे को सीधा करना है दोनों फंदों को एक साथ लेना है और सीधा बिन देना है दोनों फंदों छोड़ देने हैं फिर से रिपीट करेंगे एक जाली दो फंदों को एक साथ लेना है सीधा बिनना है एक फंदा छोड़ देना है एक फंदा सिलाई पे रखना है पीछे वाले फंदे को सीधा करना है और जो हमारे जल हमा, हमारा जो बीच वाला फंदा था उसे भी सीधा करना है और एक साथ बिन देना है फिर से एक जाली बनानी है दो फंदों को एक साथ बिनना है एक फंदा छोड़ देना है दोनों फंदों को सीधा करना है एक साथ सलाई में लेना है सीधा बिन देना है एक जाली दो फंदे एक साथ एक बार सीधा बिनेंगे एक फंदा छोड़ देंगे दोनों ही फंदों को सीधा करेंगे एक साथ सिलाई में लेंगे सीधा बिन देंगे एक जाली दो फंदों को एक साथ लेंगे एक बार सीधा बिनेंगे लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए जो आपका ये एच वाला फंदा है इसे सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड की आएगी पहले फंदे को स्लिप करना है अब हमें फंदों को उल्टा बिनना है जाली वाले फंदे को भी उल्टा बिनना है निडल वाले फंदों को भी उल्टा बिनना है पूरी सिलाई रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट होगी ऐसे देखिए सभी फंदों को आपको बिन देना है उल्टा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए यहाँ पे हम रो सेकंड सिलाई दूसरी बिन रहे हैं उल्टी तरफ से हम बिनेंगे और आपको जो ये जो दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर देना है अब हम आएंगे तीसरी सिलाई पे थर्ड रो पर पहले फंदे को स्लिप करेंगे देखिए रो वन पे हमने एक फंदा सीधा बिना था और दो फंदों को फिर एक साथ बिना था अब की बार आपको ये दो फंदे जो हैं देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा बिना है पहले एक जाली बनाएंगे फिर दो फंदों को एक साथ सिलाई पर लेते हुए एक बार सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उतार देंगे अब इस वाले फंदे को और इसके पीछे वाले फंदे को सीधा करेंगे दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पर लेंगे और एक बार सीधा बिन देंगे फिर से देखिए एक जाली बनाएंगे दो फंदों को एक साथ सिलाई पर लेंगे एक फंदे को उतार देंगे इस फंदे को और इसके पीछे वाले फंदे को सीधा करते हुए दोनों फंदों को एक साथ सलाई पर लेते हुए एक बार सीधा बिन देंगे फिर से एक जाली दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, एक फंदा उतार देंगे इस फंदे को और इसके पीछे वाले फंदे को एक साथ सलाई पर लेंगे और एक साथ सीधा बिंदेंगे तो ये हमारी रो थर्ड है राइट साइड की एक जाली दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे एक फंदा उतार देंगे दो फंदों को सीधा करते हुए एक साथ एक बार सीधा बिन देंगे एक फंदा उतार देंगे अब देखिए आपको लास्ट में जो हमारे फंदे दो बचेंगे इनको आपको सीधा करना है और एक साथ बिन देना है एच के फंदे को भी सीधा बिन देना है रो फोर आ गया है रॉन्ग साइड का हो जाएगा चौथी सिलाई उल्टी तरफ की पहले फंदे को स्लिप करेंगे बाकी जो आपके फंदे रहेंगे वो आपके उल्टे बिन के कंप्लीट होंगे जैसे हमने दूसरी सिलाई को बिना था उल्टा वैसे ही हमें चौथी सिलाई को भी उल्टा बिन देना है रो सेकंड और रो फोर सेम रिपीट होगी उल्टा बिन कर तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है वो फोर रो का है और फोर रो कंप्लीट हो गई हैं अब इसके बाद आप फिर से रो वन स्टार्ट करेंगे मैंने यहाँ पे दो सिलाइयाँ और बिन ली हैं तो कुछ देखिए इस तरीके का है अब यही चार सिलाइयाँ आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ये प्यारा सा निटिंग पैटर्न जो है वो कम्प्लीट होगा तो ये जो कल पैटर्न है ये देखिए इस तरीके से जालीदार आता है अब यहाँ पर आप जब इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये वाला जो ग्रीन पैटर्न है ये मैंने नौ नंबर की नीडल से बनाया और वो मैंने सिक्स एम mm की नीडल से बनाया है तो सलाइयों से आपका डिज़ाइन में जो जाली है वो छोटी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको दोनों नीडल से बना के दिखाया आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया